बाइनरी का प्लस, ऑक्टल का प्लस और हेक्साडेसिमल का प्लस और डेसिमल का प्लस। डेसिमल का प्लस तो हम लोग डायरेक्टली सीख ही लिया है, लेकिन अगर हम लोगों को बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल का प्लस सीखना है तो एक कॉमन रूल हम लोगों को सीखना है। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, इसलिए एक कॉमन अगर हम लोग सिस्टम सीख लेंगे तो सुविधा यही है, जो भी नंबर सिस्टम देगा एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग वो रूल अप्लाई करके कर सकते हैं। इसलिए वन एंड यूनिक रूल, पहले जो याद रखना पड़ेगा बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है टू और रेंज है 0 से 1, राइट? ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्लस में? जो माइनस का प्रॉब्लम है वो दूसरे वीडियो में है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं, 1 + 1 क्या हो रहा है 2, मतलब ये रेंज निकल जा रहा है, इसलिए हम लोग को करना पड़ेगा -2। तो 1 + 1 2 -2, मतलब आंसर में आएगा 0। -2 किए इसलिए ऊपर के साथ एक +1 होगा, ठीक है? तो ऊपर में +1, -2 जब भी करेंगे +1 इधर हम लोगों को करना ही है। तो 1 + 1 2 फिर से आ गया 2 0, मतलब 2, तो इधर से फिर से -2 तो आएगा 0। फिर -2 किए इसलिए +1, 1 2 3, अभी 3 आ गया, तो पॉइंट जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट पॉइंट में ही बैठेगा, और ये है 1 + 1 + 1 3 आया, तो +3 तो नहीं हो सकता है, इसलिए -2 2, मतलब 1, 3 - 2 1 होता है। तो -2 किए इसलिए +1, फिर से 3, -2, मतलब 1, फिर से -2 आया इधर +1 और कुछ नहीं है तो 0 बैठा सकते हैं हम लोग, तो +1 + 1 मतलब -2 नहीं होगा, +1, इसलिए कुछ भी इधर नहीं होगा, ये दे +1 आ जाएगा, तो आंसर हुआ ये 1111.00, राइट? हाँ, ये है होमवर्क और ये आप लोग कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग ये सॉल्व करके आप लोगों को दे देंगे। हाँ, अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम के प्लस में आते हैं, मतलब एडिशन में। ऑक्टल नंबर सिस्टम के एडिशन प्रोसेस करने के पहले हम लोग को दो चीज़ जानना पड़ेगा, एक है ऑक्टल का जो बेस है वो है 8 और रेंज है 0 से 7, तो 0 से 7 प्लस करने के टाइम में 0 से 7 से एग्जिट हो जाएगा, तो नंबर -8 कर लेना है। चलिए आते हैं प्रोसेस में, 5 + 1 मतलब 6 हो रहा है, तो 6 तो रेंज 7 है, 7 से एग्जिट नहीं कर रहे, तो हम लोग 5 + 1 6 ही हम लोग देंगे इधर। उसके बाद 7 + 6 मतलब क्या होता है, ओके 13 हो जाता है, तो निकल जा रहा है 7 से, ओके तो -8 मतलब -8 आता है 5, तो आंसर आएगा 5। -6 किए इसलिए +1 7 + 1 8 9 10 11, फिर से निकल जा रहा है, पॉइंट पॉइंट में आएगा -8 9 10 11, तो क्या हुआ 3 माइनस करने से, ओके 3, फिर से -8 हुआ इसलिए +1, फिर इधर होगा 1 + 1 2, लेकिन ये एग्जिट नहीं कर रहा है तो हम लोग 2 ही इधर बैठा देंगे और इधर कुछ नहीं है तो 0, तो ये 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 223.56, ये आंसर है। हम लोग आते हैं ऑक्टल के एग्जाम्पल में, ये जो ऑक्टल का नंबर का एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं, ये अगर आप लोग कीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल, मतलब ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एडिशन में दो ही याद रखना पड़ेगा, एक है इसका जो बेस है वो है 16 और रेंज है 0 to 15, और हम लोग जानते हैं 10 मतलब ए बी सी डी एफ, 10 से 15 तक ए बी सी डी एफ तक, ओके जो 15 से अगर एग्जिट कर जाएगा प्लस, तो हम लोग माइनस बेस मतलब 16 करेंगे, तो 9 प्लस इधर, तो हम लोग इधर आते हैं 9 + 1 मतलब 10, तो 10 तो नहीं हुआ, तो 10 मतलब 10 नहीं बैठेगा, ए बैठेगा, यह याद रखना। उसके बाद 15, ए मतलब क्या है 15 प्लस 3 कितना होगा 15 16 17 18, तो 18 एग्जिट हो जा रहा है 16 को, तो -16 तो क्या आएगा 2, माइनस किए इसलिए +1 होगा इधर, तो +1 9 10, फिर से 10 मतलब इधर एग्जिट नहीं हो रहा है तो 10 आ रहा है, तो ये 10 मतलब ए लिखेंगे, तो इधर +1 नहीं करेंगे क्योंकि -16 नहीं हुआ है, इसलिए प्लस कुछ नहीं होगा, सी मतलब ए बी सी 10
10, 11, 12, तो 12 है ये, 12, तो 12 + 5, 17, 17 मतलब एग्जिट कर जा रहा है, 16 - 17 मतलब 1, राइट, ओके, माइनस किए इसलिए प्लस 1, 10 + 1 मतलब 11, 11 मतलब वो रेंज में ही है, तो 11 मतलब B, तो आंसर आएगा B1A, पॉइंट में पॉइंट ही आएगा 2A, तो ये होगा आंसर B1A पॉइंट 2A। चलिए हम लोग एग्जांपल में आ रहे हैं, तो ये है एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये हम लोग सॉल्व करके आप लोगों को दे देंगे। थैंक यू।